अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। यूएई ने भारत के डॉजियर पर कार्रवाई करते हुए दाऊद की दुबई में करीब 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। इसमें एक होटल और कई रियल एस्टेट से जुड़ी प्रॉपर्टी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले साल यूएई की यात्रा के दौरान यह सूची दुबई सरकार को सौंपी गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस यात्रा के दौरान मोदी के साथ थे। भारत सरकार ने यूएई सरकार से दाऊद और उसके सिंडिकेट की संपत्तियां जब्त करने का आग्रह किया था। भारत के डोजियर में कुछ संपत्तियों का जिक्र भी किया गया था और खास तौर से गोल्डन बॉक्स नाम की कंपनी का जिक्र था, जिसे दुबई में कथित तौर पर दाऊद का भाई चलाता है। दुबई के अलावा दाऊद ने मोरक्को, स्पेन, यूएई, सिंगापुर, थाईलैंड, साइप्रस, तुर्की, भारत और पाकिस्तान के अलावा यूके में निवेश किया हुआ है। आपको बता दें कि 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम ने दुबई को अपना अड्डा बनाया था और यहीं से वो हवाला, ड्रग्स, अवैध हथियारों की तस्करी और फिरौती का धंधा चलाता है। तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार की पहल पर यूएई ने दाऊद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और माना जा रहा है कि अन्य जगहों पर भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है। देखते रहिए डीबी लाइव।